हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन यानी डुगू की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा के बारे में, एंड किस तरह से ऋतिक रोशन टुक ओवर इंस्टाग्राम एंड टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी। और फ्रेंड्स, बात करें विक्रम वेदा की, तो मैंने आज से एक महीने पहले आपको अपडेट दी थी किस तरह से विक्रम वेदा विल बी शॉट एट लाइव लोकेशन इन मुंबई। इट विल बी शॉट ऑन अ पार्शियल सेट इन फिल्म सिटी, जहां पर यूपी यानी कि लखनऊ डिपिक्ट किया जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द शूटिंग विल टेक प्लेस इन बनारस एंड लखनऊ। लेकिन गाइस, अनफॉर्चुनेटली डेल्टा वेरिएंट के कारण वर्ष यूपी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने वहां के सरकार प्रशासन ने हिंदी फिल्मों की शूटिंग पर पूर्ण तरीके से रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन जिस तरह से फ्रीडम योगी जी की सरकार वहां दे रही थी फिल्मों की शूटिंग के लिए, उस तरह की आजादी अब फिलहाल लखनऊ में एटलीस्ट नहीं मिलते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि गाइस डेल्टा वेरिएंट केसेस इज ऑन द राइज एंड इलेक्शंस के कारण वर्ष वहां पर अब नॉट मोर देन 100 पीपल आर यू नो अलाउड फॉर द शूट। डेल्टा वेरिएंट और यूपी में होने वाले चुनाव के चलते मेकर्स को ये फैसला मजबूरन लेना पड़ा है। एंड सिर्फ और सिर्फ विक्रम वेदा के लिए नहीं, बल्कि वहां पर डॉक्टर ले ले जो कि टेंटिव टाइटल है भूमि पेडनेकर एंड विकी कौशल की फिल्म का, उसके बाद गुड बाय। यस फ्रेंड्स, बच्चन साहब, नीना गुप्ता, रश्मिका मंदाना की फिल्म है, वो भी लखनऊ में शूट होने वाली थी, लेकिन जो मेन फिल्म थी जो लखनऊ में शूट होने वाली थी वो थी विक्रम वेदा। अब गाइस, दो स्केड्यूल्स थे विक्रम वेदा के, द मुंबई स्केड्यूल एंड द यूपी बनारस स्केड्यूल। मैंने आपको बताया था किस तरह से पुष्कर गायत्री की जो दो टीमें हैं वहां पर ऑलरेडी रेकी कर यानी कि रेकी हो चुकी थी, परमिशंस वर टेकन, एंड इसके अनाउंसमेंट के बाद जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक से विक्रम वेदा की जो शूट है वहां पर शुरू होने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलीगढ़ वाज आल्सो वन ऑफ द लोकेशंस, लेकिन अब वहां पर शूटिंग नहीं होने वाली है। द क्रू एंड द कास्ट ऑफ विक्रम वेदा विल डायरेक्टली स्टार्ट शूटिंग इन मुंबई, जहां पर भी डेल्टा वेरिएंट ऑन द राइज है, इसलिए हालात सही से दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए शूट अभी फिलहाल नहीं हुई है। बीच में खबर आई थी उड़ती उड़ती कि विक्रम वेदा अब्रॉड जा रही है शूटिंग करने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक फिल्म जो यूपी, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ में बेस्ड है, ओवरसीज जाके शूट करेगी तो क्या करेगी। डू द मैथ्स। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के बारे में, जो कि एकदम फुल फॉर्म में है, एंड उन्होंने जो जवाब दिए अपने इंस्टाग्राम पर, सीरियसली हमने आज के सार के देखा दो दिन पहले, अब हम ऋतिक रोशन के कुछ जवाब सुनेंगे। आई एम डैम श्योर इफ यू आर ऋतिक रोशन फैन, यू आर इन फॉर अ ह्यूज सरप्राइज। ऋतिक रोशन ने आज से तीन दिन पहले अपना एक वीडियो पोस्ट किया था HRX का, एंड गाइस उस वीडियो के नीचे वीडियो था कम सन रेन और पेन कीप गोइंग, ऋतिक रोशन फोटो शूट लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, he has a ripped body and is maintaining it right from the 2000s. उस वीडियो के नीचे टाइगर श्रॉफ ने कमेंट किया बाप एंड फायर। मुंबई में हम लोग का यू नो एक स्लैंग रहता है, वो ना एक स्टाइल रहता है, कब बाप एक्टिंग कर रहा है, अरे एकदम बाप लेवल का परफॉर्मेंस दिया है टाइगर श्रॉफ इज अ मुंबई कर, तो वहां पे उसने भी लिख दिया बाप। तो ऋतिक रोशन को यहाँ पे एक बंदे ने नीचे कमेंट में लिखा, एक ही वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया, वाह, यानी टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक को एक ही वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। ऋतिक रोशन क्या मूड में थे पता नहीं, उन्होंने लिखा अरे उससे तो मैं सीख रहा हूं, यानी कि टाइगर श्रॉफ से मैं सीख रहा हूं, तो बाप कौन हुआ। ऋतिक रोशन ने बोला कि मैं टाइगर से सीख रहा हूं तो टाइगर मेरा बाप हुआ। वेल फ्रेंड, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ की जो केमिस्ट्री है हमने वॉर में देखी, किस तरह से दोनों ने जबरदस्त एक्टिंग की थी। ट्रेलर टीजर आया था तो यू नो कुछ महान बुद्धिजीवियों ने कहा था, तो तथाकथित क्रिटिक्स ने कहा था कि यू नो अरे क्या उनको यूटिलाइज नहीं किया, कैसे डांस करा रहे, और डांस कराना चाहिए था, कि क्या है ये। दैट फिल्म वाज अ रॉकिंग फिल्म मैन, इट वाज अमेजिंग फिल्म, बेस्ट पीसेस ऑफ यू नो सिनेमा मेड बाय सिद्धार्थ आनंद, चाहे बैंग बैंग हो, चाहे वो वॉर हो, एंड वो दो फिल्में अगर आप देख लोगे यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया कि फाइटर और अभी जो पठान आने वाली है किस लेवल पे बनेगी। ओके गाइस, ऑल दीज थिंग्स असाइड, अब गाइस यहाँ पे उनको लिखा गया This is better than last HRX video you did. Okay, Ritik Roshan ने लिखा ओके encouraging, एक you know जो है सब्सक्राइबर यानी कि उनका follower वो लिखता है भाई तू बिल्कुल कबीर जैसा लगता है, यानी कि वॉर में जो कबीर था उसके ऐसा लगता है। Ritik Roshan's answer will make your excitement touch the roof. Ritik Roshan ने लिखा है कबीर की ऐसी की तैसी बेटर करते हैं। Ritik Roshan just killed it in कबीर, जस्ट इमेजिन ऋतिक रोशन एंड कमिंग एंड टेलिंग के अब मैं कबीर से बेटर करूंगा,
जस्ट इमेजिन वो किस लेवल का परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी आप लोग हैं, क्योंकि आई थॉट कबीर इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ ऋतिक रोशन, बट फ्रॉम हिज एंट्री टू हिज एक्शन सीन्स इन वॉर, फिर एक लड़की है मिश्रा अभी, लड़का है सॉरी मिश्रा अभी, वो लिखता है गोट मैंने के क्रिएटर्स ऑफ ऑल टाइम, एंड यहाँ पे लिखता है दिल ने जिम को पुकारा खुल जा फिर से दोबारा, यानी कि ऋतिक की बॉडी देखकर वो कह रहे हैं कि मैं जिम से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द खुल जाइए, तो ऋतिक रोशन ने हा 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 स्माइली लिख के लिखा है अच्छा है। नाउ फॉर द मेन थिंग, हार्दिक बिहोला व्यक्ति का नाम काफी कठिन है, उन्होंने लिखा है सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अनाउंसमेंट्स फ्रॉम योर साइड प्लीज टेल मी। ऋतिक ने क्रिश फो तो फॉर्मली अनाउंस की द स्मॉल टीजर, एंड यस क्रिश फो का जो टीजर है उसमें बहुत बड़ा गिव अवे है, मैंने पता किया एंड आई हैव गॉट बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, एक दिन का टाइम दीजिए कल वो एपिसोड में बनाऊंगा डेफिनेटली कि व्हाट आर द टीम प्लानिंग अपार्ट फ्रॉम द टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल की न्यूज तो अब वायरल हो रही है, एक साल पहले मैंने आपको बता दिया था, आज जाके वायरल हुई पिछले हफ्ते, अब मैं जो न्यूज दूंगा इट विल बी क्रेजी, दे आर गोना टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, हम बहुत चीजें डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, उस वीडियो का इंतजार कीजिए। अब ऋतिक रोशन लिखता है यहाँ पर वेरी सून, सो गाइस द अनाउंसमेंट इज अराउंड द कॉर्नर, ऋतिक इज इन अ मूड, ही हैज बिकम सोशल मीडिया सैवी, ही स्टार्टेड बीइंग यू नो वेरी एक्टिव ऑन हिज इंस्टा, एंड डोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही अनाउंसेस विक्रम वेदा वेरी सून। ओके, उन्होंने लिखा है वेरी सून मीन्स ही विल अनाउंस, ऋतिक कभी भी ऐसे हवे में बातें नहीं करते, एंड गाइस सबसे बड़ा अंदेशा इसका हमें ऐसे मिलता है कि विक्रम वेदा में जो माधवन का कैरेक्टर है, ऑब्वियसली इज नॉट प्लेइंग माधवन्स कैरेक्टर, लेकिन गाइस ऋतिक की स्टोरी देखकर उन्होंने माधवन ने खुद कमेंट किया दिस मैन इज वॉट लेजेंड्स आर मेड ऑफ, माधवन आर माधवन द लेजेंड हिमसेल्फ, जिसकी एक्टिंग इज इमैक्युलेट। आई स्टिल रिमेंबर विक्रम वेदा का मेरा रिव्यू देखने के बाद माधवन ने खुद मुझे ट्वीट किया था कि एक्सेलेंट रिव्यू आमिर। ओके, वो बंदा ऋतिक रोशन को लिख रहा है कि दिस मैन इज व्हाट लेजेंड्स आर मेड ऑफ, आई एम सो इंस्पायर्ड, दिस ब्रदर ऑफ माइन इज माई मोटिवेशन, यानी कि ऋतिक माधवन का मोटिवेशन है। माधवन इज नोन टू गेन वेट वेरी फास्ट, ही लुक्स बिट ओवर वेट समटाइम्स, ही कंसिडर्स ऋतिक रोशन हैज हिज इंस्पिरेशन। जस्ट इमेजिन जो ओरिजिनल विक्रम है वो वेदा के लिए ट्वीट कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन क्या एक्साइटमेंट है गाइस विक्रम वेदा के रीमेक के लिए पूरे की पूरी इंडस्ट्री में, एंड विद सैफ अली खान ज्वाइनिंग इन दिस विल बी अ क्रेजी फिल्म। सैफ अली खान ऋतिक रोशन इन अर्लियर फिल्म्स यू नो वो अलग थी, मस्ती मजाक थी, लेकिन एक्शन अवतार में सैफ भी दमदार है, ऋतिक तो भाई स्किलेट मैन। ओके गाइस, दिस वाज द अपडेट ऑन यू नो ऑल हिज फिल्म्स, यानी विक्रम वेदा की शूट की किस तरह से, अब वो यूपी भी वहाँ पे नहीं जाने वाला, यूपी लखनऊ अलीगढ़ बनारस में शूट की परमिशन नहीं है, तो जो भी तामझाम है सेट से जब मुंबई में लगेंगे, अब लेट्स सी, अभी तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। हाँ, उनके जो कोच थे जो बनारस उनको सिखा रहे हैं उनके साथ ट्रेनिंग चल रही है, द कॉस्ट्यूम ट्रायल्स आर ऑलमोस्ट डन, तो लेट्स सी अभी अनाउंसमेंट कब होती है तो बाद में पता चलेगा। दिस इज द लेटेस्ट ऑन ऋतिक रोशन, कुछ भी अपडेट होगा ऋतिक का मैं तुमको ला के दूंगा, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन, फील फ्री टू आस्क व्हाट एवर यू वॉन्ट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विद अ वीडियो। ओके, इट्स मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गाइस सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल।